राजकुमार राव और वरुण धवन का फूटा एक यूट्यूबर पर गुस्सा। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए पर रेसिस्ट कमेंट करना एक यूट्यूबर पर पड़ा भारी। स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक संग राजकुमार ने किया इस यूट्यूबर को स्लैम। वरुण धवन ने भी जताई नाराजगी। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। YouTube पर पारस नाम से चैनल चलाने वाले बंटी पर अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक पर रेसिस्ट रिमार्क और राज्य के बारे में आपत्तिजनक बातें करने का आरोप है। इसने अपने YouTube चैनल पर डाले एक वीडियो में कांग्रेस विधायक निरोंग एरिंग को गैर भारतीय और जाहिर तौर पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया, जिसके बाद यूट्यूबर ने माफी तो मांग ली लेकिन नेटिजन्स ने यूट्यूबर को खरी खोटी सुनाई। अब बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और वरुण धवन ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया। वेल, आपको बता दें कि स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी और इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अपनी ही कंट्री और रिलीजन को लेकर इग्नोरेंट रहना स्टुपिडिटी है, लेकिन जब इग्नोरेंस को ऑफेंसिवली एक्सप्रेस करो तो ये टॉक्सिक बन जाता है। हम सबको ऐसे इग्नोरेंस के खिलाफ आवाज उठानी होगी और ऐसे इडियट्स को समझाना होगा कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मीनवाइल राजकुमार राव ने अमर की ये स्टोरी रीपोस्ट कर यूट्यूबर की हरकत को अनएक्सेप्टेबल बताया। राजकुमार ने लिखा, नॉट एक्सेप्टेबल, आई एग्री। वेल, इस मामले पर एक्टर वरुण धवन ने लिखा, अरुणाचल प्रदेश में इतना समय बिताने के बाद अब समय आ गया है कि मैं खुद को और दूसरों को इस बारे में शिक्षित करूं कि ये कितना गलत है। एक्टर ने भी अमर कौशिक का कोट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था। बताते चले कि वरुण धवन का अरुणाचल प्रदेश से गहरा नाता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपनी अगली फिल्म भेड़िया की शूटिंग पूरी की। वैसे आपको बता दें कि YouTube पर पारस नाम से चैनल चलाने वाले बंटी ने अपने अगले वीडियो में अपने रिमार्क्स के लिए माफी मांग ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DGP RP उपाध्याय ने कंफर्म किया कि पारस के खिलाफ नस्लीय घृणा का मामला दर्ज किया गया है और ईटानगर में साइबर अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। यहां तक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस पर कड़ी निंदा जताई और लिखा, वीडियो का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के लोगों के प्रति दुर्भावना और घृणा को भड़काना है। वेल, सेलेब्स अक्सर सोशल टॉपिक्स पर खुलकर बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। अब राजकुमार राव और वरुण के इस टॉपिक पर रिएक्शन को लेकर आपकी क्या है राय? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।